नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम लेसन नंबर 68 में हैं। इसके पहले लेसन नंबर 57 से 67, मतलब पूरे के पूरे 11 लेसन में हमने देखा कि कैसे ग्राफिक इफेक्ट्स को प्रयोग करके हम स्प्राइट्स को बहुत ही खूबसूरत दिखा, तरह तरह के विजुअल इफेक्ट्स उसमें ला सकते हैं, जो कि बहुत मजेदार होते हैं एक तरह से। अब इस लेसन से मैं अपनी दिशा को थोड़ा बदलूंगा। मैं इसमें एक नया विषय आपके सामने रखूंगा जो कि अपनी में बहुत ही ज्यादा रुचिकर है। अब वो ये कि मैं स्प्राइट से संगीत या कोई भी गीत या फिर कोई रिकॉर्ड हुई आवाजें कैसे बजवा सकता हूँ। अब आप जान सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि संगीत के आने से किसी भी गेम या किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत दिक्कत से जान पड़ जाती है और बहुत ही रुचिकर हो जाता है। आने वाले कुछ वीडियो में और इस वीडियो मिला के मैं आपको बताऊंगा कि ये संगीत को कैसे बजाया जा सकता है, कैसे हम उसको स्प्राइट के स्क्रैच के अंदर लेकर आते हैं, उसको कैसे बजाते हैं। इसमें कुछ कुछ ट्रिक्स इन्वॉल्व है, कुछ कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि आप आगे के वीडियोस में देख सकते हैं। पर इस वीडियो में आपको एक मैं बड़ी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि असली में होता कैसे है, आगे आने वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि आप बहुत बार देख चुके हैं अभी। इसमें कैट स्प्राइट है और बस बाकी कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए, इधर ऊपर की तरफ बाएं हाथ पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे, सबसे पहले कोड ब्लॉक्स हैं जिसके हम बहुत बार देख चुके हैं। कोड ब्लॉक्स वो ब्लॉक्स हैं, हम चाहें तो यहाँ पे लाके स्प्राइट को ऑर्डर दे सकते हैं कि स्प्राइट ऐसे ऐसे करिए और स्प्राइट बिल्कुल वही करते हैं कि जो हम चाहते हैं, बहुत बार देख चुके हैं इसको। उसके बाद देखते हैं कि कॉस्ट्यूम्स है जो कि स्प्राइट के अलग अलग रूप है, मतलब स्प्राइट कैसी कैसी दिख सकती है वो है। और उसके बाद आप देखिए, एक यहाँ पे टैब है उसको बोलते हैं साउंड्स। तो साउंड्स वो टैब है जिसमें कि हमें जो भी हमें म्यूजिक स्प्राइट से डलवानी है उसको यहाँ पे डालना होता है। ये कैसे डालना है, इसको कैसे करना है वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन ये बड़ी पिक्चर पाती है समझने की बहुत जरूरी है कि जैसे स्प्राइट की कॉस्ट्यूम है, जैसे उसका कोड है, वैसे ही उस स्प्राइट की साउंड है। तो सबसे पहला स्टेप म्यूजिक बजाने में यह होता है कि हमें उस साउंड को यहाँ पे डालना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पहले से स्प्राइट की साउंड म्याऊ पहले से पड़ी हुई है और इस पर उसको जब आऊंगा तो फिलहाल इसमें इतना कोड लिख सकता हूँ कि ये स्प्राइट ये म्याऊ बोलने लग जाए। पर अगर मैं चाहूँ कि कोई और गाना गाए, कोई और संगीत लगाए, तो मुझे यहाँ पे उसको जोड़ना पड़ेगा। एक बार मैं उसको यहाँ पे डाल लेता हूँ तो हमें साउंड ब्लॉक में जो ये जो ब्लॉक्स हैं इनका प्रयोग करके हम म्यूजिक बजाते हैं। अब यहाँ पे काफी तरह के ब्लॉक्स हैं, इनमें सबका अलग अलग पर्पज है, सबका अलग अलग यूज है। आने वाले वीडियोस में आपको उसके बारे में बताऊंगा मैं। पर यहाँ पे ये बड़ी पिक्चर यही है कि जैसे स्प्राइट की कोड है, कॉस्ट्यूम से वैसे उसके साउंड्स हैं, तो हमें दो स्टेप फॉलो करने होंगे। पहली बात तो हमें साउंड को डालना होगा, स्प्राइट के स्प्राइट्स उसको एसोसिएट करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसको बजा सकते हैं। इसको हम विस्तार से देखेंगे आने वाले कुछ वीडियो में। फिर से मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।